नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शासन की तमाम सख्ती के बावजूद बुंदेलखंड के महोबा में अंतर्राज्यीय गौ तस्कर सक्रिय नजर आ रहे हैं। सड़क और जंगलों में चारा खाने के दौरान तस्करों ने एक सैकड़ा छोटे बड़े गोवंशों को ट्रक कंटेनर में लाद लिया। ग्रामीणों द्वारा गोवंशों को ट्रक में ले जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस और ग्रामीणों को देख सभी गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी गोवंशों को ननौरा स्थित गौशाला भेज दिया है। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के ननौरा गांव के समीप एक ट्रक कंटेनर में कुछ गोवंशों को ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने ट्रक कंटेनर को रोक लिया था। मामले की सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना पुलिस मौके पर आ पहुंची थी। पुलिस और ग्रामीणों को देख सभी गोतस्कर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी से शिकायत कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कराए जाने की मांग बजरंग दल ने की है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महोबा में गोवंशों की किसी भी सूरत में तस्करी नहीं होने की बात कही। बड़ी बात तो यह है कि गौ तस्कर पुलिस को भरमाती करने के लिए ट्रक कंटेनर में नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर SP मणिलाल पाटीदार ने बताया कि ट्रक कंटेनर जब्त किया गया है, जिसमें 26 गौवंश थे। सभी को सुरक्षित गौशाला में रखा गया है। सभी गौ तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया गया है। पूरा ये आज जानकारी लगी लगभग 7:30 बजे कि ननौरा के पास एक कंटेनर में लगभग 40 से 50 गौवंश बैल, कोई राजस्थान की गाड़ी थी, राजस्थान के लोग थे और UP 70 नंबर था ठेला का, वो लेके जा रहे थे। तो ननौरा की ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उस ठेले को रोक के और पुलिस को बुलाकर उनको रोका गया, तो उसमें से लगभग 26 गौवंश उसमें से निकालकर उनको गौशाला पहुंचाया गया। इस विषय को लेकर हम लोग श्रीनगर थाने पर आए हुए थे और उसमें अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है और दर्ज होने के बाद जो भी अपराधी होंगे उनको पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया है। क्या लग रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा था इनको, क्या किया जा रहा था? ये तो जब कोई पकड़ा जाएगा उसके बाद ही क्लियर होगा और निश्चित रूप से वो कटने तो जा ही रहे थे। पश्चिम बंगाल, ये थाना श्रीनगर में एक अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास एक कंटेनर पकड़ा है और जिसमें करीब 26 बैल उसमें भरे हुए थे। मौके पर जैसे पुलिस ने गाड़ी को पकड़ा, ड्राइवर और कंडक्टर थे वो भाग गए। गाड़ी का एड्रेस ट्रेस करा के उसके मालिक और ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो इसमें बैल पकड़े गए हैं उनको गौशाला में भिजवाया जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है।